मतलब कि किसी और स्टेट में जाके सबसे पहला यही होता है कि हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे पिएंगे कैसे, ये सब सोचना पड़ता है। तो रहने का मतलब कि जो टेंशन था, आने के बाद वो टेंशन दूर हो गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय शाक्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं लेट्स एक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, एक्टिंग सीखने के लिए जो आते हैं मुंबई, वो कहां पर रहते हैं। वो रहते हैं इस हॉस्टल में। एक्टिंग सीखने के लिए इंस्टीट्यूट सही चुनना जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है रहने की जगह भी अच्छी चुनना। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना उस जगह पर जाता है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, और एक्टर जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर पीस ऑफ माइंड होना, शांति होना, सुकून होना, सारी व्यवस्थाएं होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब यहाँ पर आओगे तो सबसे पहली मुलाकात आपकी इन चाचा से होगी। इनको आपको आपकी जो एडमिशन की रिसिप्ट है और आई कार्ड है वो दिखाना है लेट्स एक्ट का। उसी की वजह से आपको इस हॉस्टल में एडमिशन मिलता है। सो चलिए चलते हैं आगे, और अभी हॉस्टल में हम लोग एंट्री करते हैं। कैसा लग रहा है आपको हॉस्टल बाहर से, कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे विरार, ये जगह ही ऐसी है जहाँ पर शांति है, सुकून है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं है, बहुत प्यारी जगह है जहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपका नाम लिया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, और उसके बाद आपको अंदर एंट्री दी जाएगी। ये मंदिर है यहाँ पर, और चलिए अब मिलते हैं हम लोग इस हॉस्टल को जो संभालते हैं उनसे। मेरा नाम भावेश जैन, हॉस्टल का मैनेजर। जैसे कि अपने सिक्योरिटी गार्ड की फैसिलिटीज़ हो गई, फिर अपने कैमरास हो गए हॉस्टल में, 24/7 वाटर है, इन्वर्टर बैकअप है, हमारे पास ए टू जेड फैसिलिटीज़ है। जैसे मेन रोड पर है अपना हॉस्टल, उसके आजू बाजू में हॉस्पिटल्स है। मेन पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे लोग जाएंगे, कुछ हो गया तो बाजू में जाएंगे किधर, उसके लिए हमारे पास हॉस्पिटल की भी सुविधा है, प्लस जिम की सुविधा है हमारे पास, प्लस बाजू में कैंटीन है हमारे पास स्टूडेंट के लिए। पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है हॉस्टल के, इसमें नॉनवेज वगैरह फूड्स अलाउड नहीं है हॉस्टल के अंदर, स्मोकिंग ड्रिंकिंग कंपलसरी अलाउड नहीं है। चलिए हम आपको रूम का टूर कराते हैं। अपना हर एक रूम में दो दो बेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं किधर है कि किधर है। स्टडी टेबल है स्टूडेंट के लिए दोनों साइड, यहाँ पे प्लग दिया हुआ है स्टूडेंट के चार्जिंग पॉइंट के लिए। यहाँ पे जैसे कि आप इधर आओगे, यहाँ पे अलमारी है, हर स्टूडेंट को एक एक अलमारी दिया गया है। इधर टॉयलेट है, इंग्लिश टॉयलेट है। इधर यहाँ पे बाथरूम है, बाथरूम में गर्म पानी ठंडे पानी का दोनों का सुविधा है, प्लस आपको शॉवर का भी सुविधा है। फिर एक अपना रूम कनेक्टिविटी है, इधर से आप देख सकते हो, जैसे कि इधर दो बेड और लगा हुआ है, जैसे हमारे स्टूडेंट है हॉस्टल के, लेट्स एक के सब स्टूडेंट है ऑलरेडी रह रहे। जैसे कि अगर लाइट जाता है तो इन्वर्टर का बैकअप भी अपने पास, वो भी आपको दिखा देता हूँ। गर्म पानी 24 घंटा है, लाइट 24 घंटा अपने पास। क्लीनिंग हर रोज दो दिन में क्लीनिंग होता है हर रूम। कैमरा, सीसीटीवी कैमरा भी है, आप वो भी देख सकते हो। सीसीटीवी कैमरा भी है, आप वो भी देख सकते हो। फायर सेफ्टी के लिए अपने पास फायर एक्सटिंग्विशर भी है। तो बच्चे लोगों का हर एक चीज़ का ख्याल रख के हम लोगों ने हॉस्टल तैयार किया है। आप आइए और एडमिशन लीजिए। एडमिशन की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। 3 मंथ का डिप्लोमा इन एक्टिंग आपको दिया जाता है सिर्फ 35,000 में, 35,000 में, और उसमें रहना भी आपका इंक्लूड है। मतलब रहने के साथ आपको कोर्स भी मिलता है, आपको खर्चा करना है सिर्फ खाने का।
खाने पीने के लिए बाहर बहुत सारे मेस है जहाँ से आपको एक दिन का 100 रुपया लग सकता है, सवेरे का 50 रुपये, शाम का 50 रुपये। इस तरीके से महीने के 3,000 होते हैं, 3 महीने के 9,000, 35,000 में डिप्लोमा और हॉस्टल, ऊपर 9,000 अगर आप ऐड करते हैं तो कुल मिला के 44,000 में आप मुंबई में आकर 3 महीने का एक्टिंग कोर्स रहने के साथ खाने के साथ अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। और जो एक्टर्स सीखते हुए काम भी करना चाहते हैं, जॉब भी करना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। अब जॉब आपको कैसे मिलेगा? जॉब मिलेगा आपको अपनी काबिलियत से। आपका जो भी बैच टाइम होगा उसके अलावा नाइट शिफ्ट में या डे टाइम में आप उसको बैलेंस करके जॉब कर सकते हैं। अप्रैल के बैच में अमित नाम के एक स्टूडेंट है जो बहुत ही अच्छे कोच है, फिटनेस कोच है, तो उन्हें अपने ही बिल्डिंग में अपने क्लास के सामने जो जिम है वहाँ पर उनको जॉब मिला और वो जॉब भी कर रहे हैं और अपना एक्टिंग क्लास भी कर रहे हैं। इसी तरीके से जिसकी जो काबिलियत है उसके हिसाब से उनको जॉब मिल जाते हैं। थोड़ा सा सर्च करना होगा और इंटरव्यू के लिए जाना होगा, मिलना होगा। क्लास ज्वाइन करने के 10-15 दिन की मेहनत में मुझे लगता है कोई ना कोई अच्छा जॉब आपको मिल ही सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शंकर रावत और मैं उत्तराखंड से हूँ। मुझे यहाँ पर 4-4.5 महीने हो चुके हैं। स्टार्टिंग में आया था तो मुझे लगा था केवल 2500 रुपये देना और साफ़ सफाई सब कुछ अब खुद ही करना पड़ेगा, इसको धुलना पड़ेगा, लेकिन चद्दर भी मुझे यहीं से मिली है, हॉस्टल से। सो भावेश भाई भी अच्छे हैं जो हॉस्टल के मैनेजर हैं यहाँ पे, थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम राममणि वर्मा है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैंने 4.5 महीने पहले लेट सेट को ज्वाइन किया था और जो हमें हॉस्टल प्रोवाइड कराई गई है वो बहुत अच्छी है। इसमें हमें 2 लोगों के बीच रूम शेयर करना रहता है और 4 लोगों के बीच में वॉशरूम और बाथरूम शेयर करना पड़ता है। इसमें हमें कबर्ड, बेड, टेबल और कुर्सी प्रोवाइड कराई गई है, फ़ैन है, तकिए का कवर है, बेड का कवर, ये सब भी प्रोवाइड कराई जाती है। मैंने जब सोचा था लेट से ज्वाइन करने के लिए तो सबसे बड़ी दिक्कत मेरी यही थी कि मैं कहाँ रहूँगा, कैसे रहूँगा और कैसा हॉस्टल हमें प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक दो चीज़ें मैंने मिस करी है यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहले तो व्यू बहुत अच्छा है, ठीक है, और यहाँ पर आसपास सोसाइटी है तो साफ़ सफाई एकदम, मतलब ऐसी साफ़ सफाई है जैसे कि वहाँ अंधेरी में गया था मैं वर्सोवा में, तो इतनी ज़्यादा गंदगी वहाँ पर, मछलियों की बदबू भाई, यहाँ पर इतना साफ़ है ना। और उस दिन के बाद जब मैं वापस लौटा तो मैं सोच रहा था कब मैं अपने हॉस्टल पर पहुँचूँगा, मतलब तो ये सीन है। और यहाँ पर काफ़ी सारे इनके रूल्स भी हैं, लाइक कि आप कुछ नॉनवेज ऊपर नहीं ला सकते, जो कि मैं मानता हूँ अच्छा रूल है। और जो नशा पत्ता करते हैं या फिर कुछ भी गुटखा तंबाकू खाते हैं तो वो लोग भी नहीं ला सकते, ये भी यहाँ। नमस्कार, मेरा नाम समाधान लोहार है। हॉस्टल की बात की जाए तो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ बहुत ही बढ़िया है, आपको सब कुछ मिल जाएगा हॉस्टल में। सिर्फ और सिर्फ 35,000 में आपको एक्टिंग भी सीखने मिलेगी और हॉस्टल में रहने भी मिलेगा। अब आप सोचिए, सर्च कीजिए, क्या इतने सस्ते में मुंबई में एक्टिंग क्लास के साथ ही साथ आपको रहने को मिल सकता है? जी नहीं, तो देर किस बात की, उठाइए अपना फ़ोन और कॉल कीजिए नीचे दिए हुए नंबर पर और बुक कीजिए अपनी सीट। थैंक यू। अजय शांत है, मैं महाराष्ट्र से ही हूँ। यहाँ पर पानी का भी कोई इशू नहीं है, आप दिन भर पानी रहता है, गर्म पानी भी आता है सुबह सुबह और लाइट्स का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैन दिन भर हम लोग चालू रखते हैं वैसे तो। माझं नाव ओंकार खेत्रे, मी महाराष्ट्र पुणे से, मी भी इथे 1 महिना झालो आहे। तर म्हणजे आता यांनी सांगितलं ते सगळं सुविधा चांगल्या आहेत, गरम पाणी भी 24 तास आहे, काय बाकीचं काय दिक्कत नाही, सगळं व्यवस्थित। यहाँ पे मजा आता, बहुत मजा, घर जैसा मतलब है यहाँ पे। हाय एवरीवन, मेरा नाम विशाल है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं इसी मार्च बैच में, 5 मार्च को जो बैच स्टार्ट हुआ था उसी बैच में मैं आया हूँ, लेट सेट ज्वाइन किया हूँ। और लेट सेट यहाँ पास में ही है, ज़्यादा दूरी पे भी नहीं है हॉस्टल, तो आने जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो मतलब कि सोच के आया था हॉस्टल में वो सारी फैसिलिटीज़ मुझे मिली हैं। और मतलब कि किसी और स्टेट में जाके सबसे पहला यही होता है कि हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे पिएंगे कैसे, ये सब सोचना पड़ता है। तो रहने का मतलब कि जो टेंशन था, आने के बाद वो टेंशन दूर हो गया। सब यही बोल दिए। नमस्कार, मेरा नाम अंकित शाह है और मैं यूपी से हूँ। यहाँ पर भाई लोग एकदम मस्त है सब। आ जाओ जल्दी से अगर आप भी आना चाहते हो तो।